आइए सर, दिस इज पार्ट टू ऑफ द वीडियो, हाउ टू स्टडी ऑडिट, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट एटसेट्रा एटसेट्रा, जिस भी नाम से आप से जानना चाहते हैं, ये है बच्चों उसका पार्ट टू। और फर्स्ट वीडियो में बात करी थी स्टडी सोर्स के बारे में, जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है पहले देख क्या है, उसमें मैंने पूरा वीडियो का बेस बताया था कि कैसे कैसे हम सर इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। आइए सर, सो लेट्स डू इट, लेट्स रॉक। और बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, वो है डिवीजन ऑफ सिलेबस। यस, डिवीजन ऑफ सिलेबस, हम अपने सिलेबस को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आइए चलिए आपको अच्छे साफ सुथरे पेज पर ले चलता हूं। इस पे कई बच्चे शोर मचा सकते हैं, ये लड़का पेपर बहुत वेस्ट करता है, वी आर ऑफेंडेड, केस कर दो इस पे, कर दो। डिवीजन ऑफ सिलेबस, भाई दुनिया में हेटर्स की कमी नहीं है। एनीवेज, सबसे पहले बच्चों मैं अगर सिलेबस में कुछ चीजें निकालना चाहता हूं तो वो ऐसे हैं। सबसे पहले एसेज, ऐसे पढ़ना कैसे है बात करेंगे सर, फॉर श्योर बात करेंगे। हाउ टू स्टडी का अलग सेक्शन आएगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसेज को पढ़ना कैसे, राइट। एसेज के बाद बच्चों मेरे पास आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, पीई, जिन्हें आप प्यार से बुलाते हैं सर, प्रोफेशनल एथिक्स। अभी मैं आपको और डिविजन्स बताता हूं एंड देन विल डिस्कस के कितने मार्क्स के आते हैं। तो सर पहला ब्लॉक हमारा इन दोनों को बना लेते हैं, एसेज एंड पीई। देन सेकंड ब्लॉक में बच्चों को मैं बात करूं आपके साथ और सेकंड ब्लॉक देखना चाहूं कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी ऑडिट। पहले तो सर कंपनी ऑडिट कहना पाप है, आप लोगों के चक्कर में मैं भी गलत बोलता हूं, दिस इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसमें बच्चों मैं आपको बहुत चीज अच्छी बातें बताता हूं और ध्यान सुनिएगा, बेवकूफों की तरह, आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड, बट बेवकूफों की तरह जो दुनिया में हो रहा है उनसे उसे फॉलो करने लग जाते हैं। आपने कभी सच बताना मुझे, बिल्कुल सच, कंपनीज एक्ट को बेयर एक्ट से पढ़ने की कोशिश करी, कम ऑन टेल मी, कभी भी नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपको खिचड़ी बनी बनाई चाहिए, लैंग्वेज टफ होती है, लड्डू कोई टफ नहीं होती लैंग्वेज में। आईपीसीसी में बच्चों को जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ाता हूं सर, वो मैं सीधा सीधा बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ाता हूं डायरेक्टली, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन याद कराता हूं सर, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन। लेकिन आप लोग सी फाइनल में होने के बाद सर गड़बड़ करते हो। एक मिनट रुकेगा, आपको कुछ चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये है बच्चों कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट जिसे बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 विद रूल्स। मैं आपको इसके अंदर बच्चों कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। सी प्रॉब्लम कहां पे, कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, अरे बेटा लड्डू ऑडिट नहीं पढ़ रहे तुम लोग। आप अगर ध्यान से देखें बच्चों, कंपनीज एक्ट कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है, आपको सर यहां पे देख रहा होगा, शायद एक चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, आई होप इट इज विजिबल, चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट साफ साफ लिखा हुआ है, किससे डील करता है सर। इसी के बाद सर हम लोग आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारा एक खास चैप्टर, और वो चैप्टर देखिएगा क्या लिखा है सर, पढ़िए, कम ऑन टेल मी क्या लिखा है। दिस इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट डील्स विद ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड द रेलेवेंट रूल्स। हम सबको पता है कंपनीज एक्ट में सर हर सेक्शन के हर पार्ट के साथ, हर चैप्टर के साथ सर रूल्स हैं, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। मैं आपको सर चैलेंज कर रहा हूं, अगर एक बच्चा ने आईपीसीसी में ढंग से कंपनी ऑडिट पढ़ाया ना, वो उस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है जिसने सीए वाले पे कंपनी ऑडिट सिर्फ ऊपर ऊपर से वो एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ा हुआ है। लेकिन जिस बच्चे ने बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ी हुई है ना सर आईपीसी लेवल पे, वो सुल्तान पिक्चर देखे ना, धोबी बिछाड़ दे देगा वो सर। प्लीज गो एंड बाय बेयर एक्ट फर्स्ट। अब आप इसमें देखिए सर, यही सेक्शन तो थे हमारे पास, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है ना, यही सेक्शन तो सर आप लोग पढ़ते हो, आप जाके बोलते थे क्या पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलते हो नहीं बोलते। मैं और कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ, सी देखिए मैं अपने बच्चों को प्रॉपर, ये मैंने जब लॉ पढ़ाया था बच्चों को तो पूरी बेयर एक्ट बच्चों में दिखाने की कोशिश करता था कि क्या है बेयर एक्ट के अंदर क्या नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है सर। मैं आपको और चैप्टर 10 की इनसाइट देने की कोशिश करता हूँ कि चैप्टर 10 को इतना हम लोगों को ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए। आपको लेटेस्ट बेयर एक्ट दिखाता हूँ बच्चों, लेटेस्ट बेयर एक्ट जो मैंने अभी भी बाय की है, और मैं हर बार सर कंपनीज एक्ट की सर इनकम टैक्स एक्ट की या और किसी भी जो भी एक्ट आती है हमारे पास, मैं उनकी बेयर एक्ट जरूर बाय करता हूँ। आइए लेट्स सी कि सर इसके अंदर हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। लीजिए सर, देखिए सर बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है सर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और एक एक सेक्शन पढ़िए सर। आप यही सारे सेक्शन पढ़ते हो, बट आप कौन से फॉर्म में पढ़ते हो पता है आपको सर, आप इसे पढ़ते हो प्रोसेस्ड फॉर्म में, आपने रॉ मटेरियल देखा ही नहीं, आप सीधा आउटपुट निकाल के खा रहे हो,
सेक्शन के बीच में रूल शुरू हो गया, रूल्स के बीच में सेक्शन शुरू हो गए, आपको बताया नहीं सर, आप कह रहे हैं सीएफ अलग एग्जाम देना चाहता हूं, मैं पास होना चाहता हूं, गोटे मार के बिना लॉ को इंटरप्रेट किए, बिना लॉ को समझे। सो प्लीज ऐसी एक बेरेक बाय कीजिए सर। अभी मैंने आपको दो बेरेक दिखाई सर, ये है वो दो बेरेक सर, आप देख सकते हैं शायद, और ये थोड़ी पुरानी वाली, ये लेटेस्ट है सर, कंपनीज एक्ट 2013 विद रूल्स और जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं सब इसके अंदर है। सो एक अगर मैं बात बोलना चाहता हूँ आपसे, तो अपने इस स्टडी मटेरियल में सर जो हमने बोला था स्टडी सोर्स, एक चीज और एक कर लीजिए और वो होनी चाहिए आपकी बेयर एक्ट एंड स्पेसिफिकली फॉर द चैप्टर जिसे हम बोलते हैं सर कंपनी ऑडिट, जो कि गलत है, हमें उसे बोलना चाहिए चैप्टर नंबर 10। क्या बोलना चाहिए? चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट। आइए तो सर कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये भी जरा बेयर एक्ट से कवर करेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कॉस्ट ऑडिट जिसे अलग से चैप्टर बना दिया गया, आपने भी मान लिया कि सर अलग से एक चैप्टर है, भाई वो चैप्टर नंबर 10 का ही एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 148 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। इन डेप्थ नॉलेज दीजिए सर, इन डेप्थ कंपनी ऑडिट जिसे मैं आप बोलते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कॉस्ट ऑडिट, कारो, इनका पूरा एक सेक्शन बना लीजिए सर, एंड ये मिला के कितने मार्क्स आता है चर्चा करेंगे, बट ये आपका एक सेक्शन हो गया, राइट। सो आपने एक बार ध्यान रखनी है सर, आपने बेयर एक्ट का बहुत यूज करना है, सेक्शन बाय सेक्शन रीडिंग करनी है और कोशिश करना है कुछ सबसेक्शन याद हो। सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है, हम सबको बताया। अब सर सेक्शन 141 का कौन सा सबसेक्शन है जो डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है और कौन से क्लॉजेस में डिस्क्वालिफिकेशन जिक्र हो रखा है? आइए सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, ऐसे सर आपको पढ़ना है। और क्लॉज बी के अंदर क्या क्या है? 1, 2, 3 सिक्योरिटी इनडेटनेस गारंटी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इस लेवल के बच्चों प्रिपरेशन चाहिए आपको सर कमांड बनाने के लिए कि आप बोल पाए कि हाँ आप पास होना, स्कोर करना डिजर्व करते हैं। ओके सर, आईसीए ने 13 नंबर कैसे दिए इस पे अलग से चर्चा करूंगा सर, मिसलेनियस वाले सेक्शन में अगर टाइम लगा तो जरूर चर्चा करूंगा कि आईसीए ने 13 नंबर कैसे दिए। देन बच्चों हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं और वो क्या होगा आइए देखते हैं। बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है सर, इसके अलावा और भी हो सकती है सर बहुत सारी चीजें, अभी के लिए सर इस सेक्शन पे रखते हैं बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिस्कल लॉ जो हमारे टैक्स ऑडिट वगैरह वगैरह आते हैं सर, और साथ ही साथ में सर हमारे पास और भी एक दो चीजें इसके अंदर रख लेते हैं जैसे कि स्पेशल एस्पेक्ट्स, इसका हम एक तीसरा चंक बना लेते हैं, राइट। बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिस्कल लॉज एंड हमारे पास आ गया सर स्पेशल एस्पेक्ट, राइट। फोर्थ चंक बच्चों जो बनाएंगे अपने सिलेबस का, आप बोल सकते हैं सर ऑल अदर्स, जिसमें पीयर रिव्यू, ओके अच्छा चैप्टर है, अच्छा पॉइंट है, और बाकी सारी जितनी चीजें बच गई आप सोचे यहाँ पे ले आइए, चाहे वो सीआईएस है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बच गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, जितनी भी चीजें बच गई बच्चों आप उनको इस वाले सेक्शन में ले आइए, ओके। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बात बच्चों के साथ में अलग से नीचे लिख रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे कमांड बहुत जरूरी है, ऑल्दो वो अकाउंट्स का पार्ट है बट हम सबको पता है कि सर वो ऑडिट में भी आ जाता है। ऐसे ही बच्चों कंपनी लॉ के सेक्शंस, बोनस, राइट इश्यूज जो आपने आईपीसीसी लेवल पे कभी पढ़े थे, बायबैक, इन सब पे कमांड बना लीजिएगा सर। पब्लिक डिपॉजिट्स, ये बहुत काम आने वाले हैं ऑडिट करते समय। इन शॉर्ट आप ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आईपीसीसी लेवल से उठा के, राइट। इसको छोड़ के सर एसएएस में मैं बोलूंगा सर आईपीसीसी लेवल से स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करिए अगर आपकी कमांड नहीं है। एक बात मैं बीच में बोल दूं, ऑल्दो मुझे नहीं पता है कितना सक्सेसफुल होने वाला है, बट मैं एक दो फास्ट ट्रैक बैचेस करता हूं आईपीसीसी वालों के लिए जिसमें हम लगभग 15 से 16 एसएएस कवर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग फाइनल में हैं एंड यू आर विलिंग टू ज्वाइन सच काइंड ऑफ बैच, यू आर मोर देन वेलकम, बट उसका लेवल मैं आईपीसीसी तक रखूंगा। यस, आपको बहुत सारी नॉलेज उसके अंदर मिल सकती है अगर आपको ऑडिट का बेस ही गायब है, तभी आना, अगर बेस क्लियर है तो प्लीज मत आना। अच्छा अच्छा, तो सर ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ सिलेबस, और सर डिवीजन ऑफ सिलेबस में सर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सर हम अब इनके नंबर्स पर डिस्कशन कर लें कि लगभग कितने कितने नंबर के ये चीजें आ जाती हैं।
सर अगर मैं प्रोफेशनल एथिक और ऐसे मिला के बात करने लग जाऊं तो सर जी मज्जा ही मज्जा, कौन मिला के मज्जा ही मज्जा। आप एहसास नहीं है सर आप लोगों को कि कितने नंबर का ये आ सकता है। 30 मार्क्स के आसपास का आपको ऐसे मिलेगा और 16 मार्क्स के आसपास का आपको प्रोफेशनल एथिक्स मिलेगा, यानी सर 46 मार्क्स तो आपके यहाँ पे कवर हो गए मेजर चंक। अब याद रखिएगा हाउ टू स्टडी ऐसे इस पे सर अभी चर्चा नहीं, ठीक है ओके। पी कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है उस बाद में कवर करेंगे। कारो कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कॉस्ट ऑडिट, कारो, ये सब चीजें मिला के बच्चों आपको लगभग लगभग 20 मार्क्स तक का सिलेबस दिख सकता है, यानी अगर आप इन्हीं दोनों को ऐड कर दें तो यहीं पे हमारे पास 66 मार्क्स हो गए हैं, 66 मार्क्स राइट। अगर बच्चों मैं इसके अंदर इसको भी जोड़ूं तो ये 12 से 16 नंबर के आसपास का सर आपको और चीजें नजर आ जाएंगी। तो 66 प्लस एवरेज ले लेते हैं, चलो चलो दैट इज हमारे पास आ गया 14 और हमारे पास टोटल बन गया 18 मार्क्स राइट। बाकी 20 नंबर पेपर इसमें से भी आ सकता है, शायद बाहर से भी आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ बोनस, बायबैक, राइट इशू, शेयर कैपिटल, डिविडेंड, सर रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एनी डैम थिंग। ऑडिट के पेपर को जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने उसका एक नाम रखा हुआ था रायता, जब रायते में खिचड़ी सब कुछ मिक्स हो जाता ना वैसे, तो वो बाकी 20 नंबर खिचड़ी से आने वाले सर। हम इन चीजों पर बहुत अच्छे से कमांड बना सकते हैं क्योंकि ये चीजें सर हमारे हाथ में, हमें पता है इनका लेवल क्या होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी सर यहां से आए हुए हैं राइट, बोलो यस। तो ये बच्चों वीडियो में हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, और वो क्या है बताइए, डिवीजन ऑफ सिलेबस। सो स्टडी सोर्स क्लियर हो गया, डिवीजन ऑफ सिलेबस क्लियर हो गया, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, बोलिए क्या, हाउ टू स्टडी ऑडिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट इस वीडियो का है हाउ टू स्टडी ऑडिटिंग राइट। तो उस पे जाने से पहले दोनों वीडियो एक बार थॉरो कर लीजिए, देन विल स्टार्ट विद पार्ट नंबर 3, दैट इज हाउ टू स्टडी ऑडिटिंग।